हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य नीति में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आपको यूटीआई, एएमसी और लिखिता दोनों को अवॉइड करना है, दोनों आईपीओस को नहीं लगाना है आपको, और जितने ज़्यादा आप लॉट लगा सकते हैं मैसगॉन में लगाना है आपको, मैसगॉन डॉग में लगाना है आपको, जितने ज़्यादा आप लॉट लगा सकते थे वही मैंने किया था और शायद आई होप आपने भी यही किया होगा। तो आपने देखा कि यूटीआई कितना 10% नीचे खुला है एंड लिखिता भी 10% नीचे खुला है, और मैसगॉन देखा होगा आपने 40% अराउंड प्लस में खुला था। तो वही हमने आपको शेयर किया था, उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वो आप एक बार देख सकते हैं उसको। और कोई न्यू इन्वेस्टर है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ जुड़ के सीखना चाहता है और ट्रेडिंग करना चाहता है, तो हमारे साथ वो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे मार्केट के पांच अच्छे शेयर्स अलग अलग सेक्टर के, जिन्होंने पीछे पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी उनका रिटर्न अच्छा देने की उम्मीद है। अच्छी कंपनी है, डेट फ्री है, जो कंपनी डेट फ्री होती है वो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पांच जो मार्केट के भरोसेमंद शेयर हैं और उनके प्रीवियस रिटर्न्स भी मैं आपको शेयर करूंगा, अगर किसी ने कितना अमाउंट लगाया होता तो वो आज कितना होता, उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो शेयर है हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो शेयर है इसमें अगर आप 2008 में अगर आप 1 लाख रुपीस लगाए होते तो वो 2020 में 1 करोड़ के आसपास होता। ठीक है, ये शेयर है, इस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ और इसका शेयर काफ़ी अच्छा है, डेट फ्री है और ये कंपनी अच्छी है, छोटे छोटे लोन्स भी देती है, है ना, छोटे लोन्स देती है, उसमें आपके रिस्क कम होती है तो उसमें ग्रोइंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। आप इसके रिटर्न्स भी देखेंगे, प्रीवियस भी पुराने, और ये किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, हमेशा अपसाइड में जा रहा है। हमें हमेशा नीचे गिरता हुआ नहीं पकड़ना चाहिए कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर स्टॉक हम ले रहे हैं कि भाई डिक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वैसा शेयर हमें नहीं ले, हमें हमेशा भागता हुआ शेयर पकड़ना चाहिए, भागता हुआ स्टॉक पकड़ना चाहिए जो हमेशा अपसाइड में जा रहा हो। तो उसकी उम्मीद रहती है कि ये फ्यूचर में भी आपको अपसाइड में ही जाता मिलेगा और अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो बजाज फाइनेंस एक अच्छा शेयर है, लीडर है, अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। नेक्स्ट में हम आते हैं, मार्केट लीडर हमने नेक्स्ट लिया है जो कि बैंक सेक्टर है, HDFC बैंक। HDFC बैंक से रिलेटेड मैं बता दूं आपको कि HDFC बैंकिंग सेक्टर का मार्केट लीडर है, टॉप शेयर है एंड टॉप बैंक है, और इसका शेयर भी काफ़ी अच्छा शेयर है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड थर्ड है, जो तीसरे शेयर के बारे में मैं बात करूंगा, इस शेयर में अगर आप 2012 में 1 लाख रुपए के शेयर आपने खरीदे होते तो आज वह 2020 में 1 करोड़ होते, है ना। और ये जो रिलेटेड है, ये FMCG से रिलेटेड है। FMCG जो बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाती है कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और अच्छा रिटर्न निकाल रही है। इसका नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया जो है, आपने सबने नाम सुना है, सब आप इसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, FMCG से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, रोजमर्रा से रिलेटेड इसके प्रोडक्ट आते हैं, आपने देखा होगा बिस्किट्स, ब्रेड एट्सेट्रा, कई सारी चीज़ें इसकी खाने की आती हैं, राइट। तो ये एक काफ़ी अच्छा शेयर है, इसने पास्ट में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है और ये फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई 1 लाख रुपये 2012 में लगाया होता तो वो आज 2020 में 1 करोड़ के आसपास होता। देखा आपने रिटर्न कितना अच्छा इसने निकाल के दिया है। तीन शेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ शेयर है HDFC लिमिटेड। ये NBFC है एक, और ये होम लोन प्रोवाइड करवाता है, काफ़ी अच्छा शेयर है। इसके लिए भी ये लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको लेके जाते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा शेयर माना जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं बात करूंगा बर्जर पेंट्स। इसमें पेंट्स कंपनी में मार्केट लीडर तो नहीं है बट सेकंड नंबर की कंपनी है एंड ये ईयर बाय ईयर अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है और अच्छा प्रॉफिट भी ये कमा रहा है। तो अगर ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो तभी तो हमें अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। तो इसके अलावा इसमें जो पेंट सेक्टर में मार्केट लीडर है वो एशियन पेंट्स है, बट वो ऑलरेडी काफ़ी अपसाइड पर जा चुका है और उसमें अब वो एक लार्ज कैप कंपनी है तो उसमें आप एक लिमिटेशंस बन गई है ग्रोइंग की, तो
तो उसमें क्या लिमिटेड आपको रिटर्न मिलता है 20% 25% 30%। बट इसका जो रिटर्न आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का, वन ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 60% से 70% आपको इसका रिटर्न दिखेगा। तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन है अपने पेंट सेक्टर में अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा शेयर है। इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 शेयर बता दिया। फर्स्ट बजाज फाइनेंस, काफी अच्छा शेयर है एनबीएफसी का। सेकंड है एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का मार्केट लीडर है, काफी अच्छा है। एफएमसीजी ब्रिटानिया, थर्ड शेयर मैंने आपको बताया। फोर्थ है एचडीएफसी, एनबीएफसी का है ये भी, है ना, होम लोन प्रोवाइड करता है, काफी अच्छा है, मार्केट लीडर है। एंड फिफ्थ बताया है मैंने आपको पेंट्स कंपनी में, बर्जर पेंट्स। एंड आप इन सभी शेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आप देखिएगा आफ्टर 5 इयर्स या 10 इयर्स के अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करते हैं तो आपका काफी अच्छा अमाउंट, लमसम अच्छा अमाउंट आपका रिटर्न आपको मिलेगा और काफी अच्छा अमाउंट आपका बन जाएगा।